हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धूम धड़ाके के साथ नामांकन भरने आए अभ्यर्थी। जोधपुर विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए नामांकन भरने के पांचवे दिन शुक्रवार को कई पार्टियों से घोषित व निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें से कोई उम्मीदवार जादू दिखाते हुए आया तो कोई ढोल थाली के साथ नामांकन भरने पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर महानगर के तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। इसमें सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शंभू सिंह खेता सर ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। ढोल थाली बजाते और नारे लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान कई कार्यकर्ता नाचते हुए साथ चल रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर शंभू सिंह खेता सर ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी तरह आम आदमी पार्टी से शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जबर सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वही सुरसागर विधानसभा क्षेत्र के भारत विकास वाहिनी के विकास शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी जादूगर गोपाल ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के लिए जादूगर गोपाल एक्टिवा पर बैठकर आए और उन्होंने यहां जादू के करतब भी दिखाए। आपको बता दें कि जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक करीब एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।